नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और आपके साथ मैं श्रेया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल भोपाल दौरे पर थे और यहां उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। आपको बता दें, अमित शाह ने मध्य प्रदेश के 26 जिलों में स्थित 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तन करने का फैसला किया है और इसका शुभारम्भ रिमोट के माध्यम से उन्होंने किया। इस मौके पर सीएम शिवराज भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि तेंदुपत्ते का बोनस बांटने का काम शुरू किया गया है। भोपाल के जंबूरी मैदान में तेंदुपत्ता संग्राहकों के सम्मेलन में सीएम शिवराज ने कहा कि जंगल बदलने की प्रक्रिया ग्राम सभा करेगी। मध्य प्रदेश ने अपने वनवासी भाई बहनों को जंगल सौंपने का काम किया है। वन विभाग केवल सहयोग करने का काम करेगा। पेसा एक्ट क्रमशः मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा। मध्य प्रदेश में ये प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रदेश के तेंदुपत्ता संग्राहक को लाभांश राशि का वितरण किए जाने के साथ ही उनके लिए बड़ी घोषणा की गई है। तेंदुपत्ता संग्राहक को 250 रुपये प्रति गड्डी के स्थान पर अब 300 रुपये दिए जाएंगे। सीएम शिवराज ने कहा है कि आज मध्य प्रदेश के 22 लाख हितग्राहियों के खाते में 125 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। यह वनवासी भाई बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है। मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्राहकों को 250 रुपए प्रति 100 गड्डी के स्थान पर 300 रुपए दिए जाएंगे। सीएम शिवराज ने यह कहा है कि मध्य प्रदेश में भू माफियाओं से 21,000 एकड़ भूमि मुक्त कराई गई है और इस भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के आवास बनाए जाएंगे। सीएम ने कहा है कि कन्या विवाह योजना में अब 55,000 रुपए की राशि दी जा रही है और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश वनवासियों को वन क्षेत्र का मालिक बनाने वाला देश का पहला राज्य है। मध्य प्रदेश ने यह युग परिवर्तनकारी कार्य किया है और अब मध्य प्रदेश में कीमती सागवान लकड़ी के साथ ही अन्य वन संपदा की 20% राशि के मालिक वनवासी होंगे। सेंट्रल एकेडमी प्राइमरी स्कूल दीनदयाल धाम कॉलोनी पड़रा इनवाइट्स एडमिशन फॉर सेशन 2022-23 फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 7th। ग्रैब द अपॉर्चुनिटी ऑफ फ्री रजिस्ट्रेशन फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 1st and cashback of ₹2,500 for first 100 students seeking admission in class 2nd to 7th. Brought to you by Little Hands. For further information, contact our office during school hours. The earlier you start working, the earlier you'll get results.